Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss the modulation. As we know that the modulation is the process of converting the data into the electrical signal optimized for the transmission. If we have the signal that have the very low amplitude and we want to transmit that signal, then thus to bring that signal into the suitable form or strengthening the signal, we modulate it. Suppose our voice signal is available and we want to transmit it, then we cannot transmit it without modulation because that signal is not up to the mark, not have much strength. So the noise signal or जो रास्ते में हमारे channels वगैरह होंगे जिसमें हमारे पास noise वगैरह introduce होने के chances रहते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी इम्प्रूव द सिग्नल. तो फॉर दैट पर्पज वी यूज द मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम यूज करते हैं. अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे व्हाट इज द मॉड्यूलेशन में हम इन्हें यहाँ पर क्या किया हुआ है, वी हैव द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग मीन्स द ओरिजिनल सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा हमारे पास वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है. जिस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. और इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज को इम्पोज कर देते हैं एक हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में, जो कि हमारा कैरियर सिग्नल कहलाता है. कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और इन दोनों को मिक्स करके जो सिग्नल हम अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इसके बाद हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है. तो देयर कैन बी several type of modulation technique. In the broad categories we can divide the modulation analog modulation or digital modulation. जो हमारा continuous signal होता है वो हमारा उसका modulation हम करते हैं वो analog modulation कहलाता है. जो pulses वगैरह का modulation करते हैं digital signal का, वो हमारा digital modulation कहलाता है. और analog modulation को भी हम तीन part में divide कर सकते हैं. One is the amplitude modulation, another is the frequency modulation, another is the phase modulation. तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसी तरह से डिजिटल मॉड्यूलेशन को भी हम ASK, इनको भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ASK, FSK एंड PSK, तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो वी विल डिस्कस ओनली द एनालॉग मॉड्यूलेशन. यहाँ पर सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है इसके एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल सिग्नल. जो हमको ओरिजिनल सिग्नल दिया हुआ है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वी वेरी द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल. तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, वॉट वी विल डू कि दैट इज द अवर ओरिजिनल सिग्नल. द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो यहाँ पर हमको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको बेस बैंड सिग्नल भी बोल देते हैं. और इस सिग्नल को दैट इज द कैरियर सिग्नल, ये हमारा कैरियर सिग्नल है. तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड AC है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड AM है. तो यहाँ पर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटेड कर रहे हैं किसकी हेल्प से, इस ओरिजिनल सिग्नल की प्रॉपर्टी को इसमें इम्पोज कर रहे हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है. तो फॉर दैट पर्पज ये देखिए, ये दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो इसका हमारा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा वो या तो AC+AM होगा, और लोवेस्ट एम्पलीट्यूड है वो हमारा AC-AM होगा. दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. Now come to the mathematical expression of this amplitude modulated wave. So suppose the हमारा जो original signal MT था, that was the AM cos 2 pi FMT. ये हमारा original signal था, इसका amplitude तो हमारा AM है signal का और frequency FM है. इसी तरह से जो carrier signal है वो हमारा AC cos 2 pi FCT से हमने denote किया हुआ है. यहाँ पर इसका amplitude AC है और frequency FC है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस सिग्नल को इसके साथ मिक्स करके भेजते हैं. यहाँ पर हमने लिख दिया है कि AM AC क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड हैं. FM और जो FC है
हाँ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा दैट विल बी डिनोटेड बाई एस टी बराबर ए सी प्लस ए एम कॉस 2πfmt। ये हमने यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है, जो इसका जो हमें एम्पलीट्यूड दे रखा था कैरियर सिग्नल का। तो कैरियर सिग्नल का हमको क्या एम्पलीट्यूड दिया हुआ था, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2πfct। तो दैट वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड ए सी प्लस ए एम कॉस 2πfmt, ये एम्पलीट्यूड कर दिया ये, क्योंकि हमने ये यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो वेव फॉर्म था वो यहाँ पर इसको मिला दिया इसके साथ, और कॉस 2πfct तो ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, वॉट वी विल डू नाउ, वी विल कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन बताता है, और हमने कैरियर सिग्नल का किस लेवल तक हमने मॉड्यूलेशन किया, दैट इज डिनोटेड बाई द मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वो इस चीज को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैरियर वेव आफ्टर बींग मॉड्यूलेटेड, कैरियर वेव को मॉड्यूलेशन के बाद वी कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो रीअरेंज द इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हमने रीअरेंज करके वी टेक द एसी कॉमन हमने ले लिया। तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस एम अपॉन एसी कॉस 2πfmt कॉस 2πfct। अब हम क्या करते हैं, इसका एस टी इज इक्वल टू 1 प्लस एम अपॉन एसी इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने एम इज इक्वल टू एम अपॉन एसी, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहलाता है, इससे इसको डिनोट कर दिया, और कॉस 2πfmt और कॉस 2πfct। और व्हेन एम इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ एम अपॉन एसी के इक्वल, रेशो के बराबर है। तो एम का हमारा ये फॉर्मूला है, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह दे तो हम इसकी हेल्प से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नाउ सपोज ए मैक्सिमम और ए मिनिमम जो है वो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड वेव का। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला और निकालेंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कितना होगा, वेव फॉर्म क्या थी हमारी, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव थी हमारी, वो अभी हमारी वेव कौन सी वेव आई है हमारे पास, दैट इज दिस वेव। ये जो हमारी वेव है, ये हमारी ये वाली जो वेव हम देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी वेव है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है। तो व्हाट विल बी द, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये वाला पार्ट इसके एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब हम कॉस 2πfmt को 1 कर दें, तो हमारे जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एसी, अगर हम इसको 1 कर देंगे तो हमारे जो एम्पलीट्यूड की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी हो जाएगी एसी प्लस एम। यहाँ पर हम देखते हैं ये, दैट इज द इन दिस इक्वेशन वी आर सीइंग। तो इफ द कॉस 2πfmt इज इक्वल टू 1, तो एसी प्लस एम इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो दैट इज डिनोटेड बाय ए मैक्सिमम इज इक्वल टू एसी प्लस एम। अब हम इसको मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब हम इसको माइनस 1 कर दें, तो दैट इज डिनोटेड बाय एसी माइनस एम से डिनोट कर दिया। इनको ऐड करने पर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम जो हमारा आता है वो हमारा 2ac के बराबर आएगा, और अगर हम एसी जो हमारा होगा वो ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम अपॉन 2 हो जाएगा, दैट विल बी द ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम अपॉन 2, दैट इज अवर एसी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 को हम 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम होगा हमारा, दैट इज अ 2am हो जाएगा, और am की वैल्यू हमारी ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन 2 हो जाएगी, दैट इज द am हो जाएगा हमारा। और रेशो हमने अभी स्टडी किया ही था, तो हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हमने लिया था am अपॉन ac। अगर हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 8 और 9 से am अपॉन ac से, तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ जाती है a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम अपॉन a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। तो अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहाँ पर 5 और 10 नंबर की जो इक्वेशन है टू फॉर्मूला फॉर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर्मूला है, दैट इज गिवन इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 5 में हमें दिए हुए हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्मूलाज। एंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मॉड्यूलेशन डेप्थ इज ऑफन डिनोटेड इन परसेंटेज। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, और अगर हमारा कहीं पर एम की वैल्यू सपोज 0.5 आ रहा है तो वी कैन से द मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल बी 0.5 × 100, दैट विल बी इक्वल टू 50%। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो हमारा 50% हो जाएगा। तो दैट वी हैव स्टडी टूडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।